जब कोशिशों का कद बड़ा होता है तो नसीब को अक्सर झुकना पड़ता है। आज ऐसी ही एक सफलतापूर्वक कोशिश हमने देखी चेन्नई सुपर किंग्स की सारी टीम की तरफ से, जिस जीत के सुपर हीरो जरूर रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी। दूसरी जीत मिली आज चेन्नई सुपर किंग्स को, जहां उन्होंने मुंबई इंडियंस को हराया आखिरी गेंद पे उस रोमांचक मुकाबले के अंदर। बताएंगे आपको इस वीडियो में क्या कहा है रविंद्र जाडेजा ने उस जीत के बाद। क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। आज था आईपीएल का 33वां मुकाबला, इसे वो भी कह सकते हैं, इसे आप आईपीएल का एल क्लासिको भी कह सकते हैं, इसे आप आईपीएल का इंडिया पाकिस्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि जो क्रेज होता है मुंबई और चेन्नई के मैच का वो शायद ही पूरे आईपीएल में किसी और मैच का हो सकता है। हालांकि आज एक नॉर्मल लीग स्टेज मैच था, ये दोनों टीमें पॉइंट टेबल के सबसे लास्ट पे मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेट पे पूरे सोशल मीडिया पे इतनी हाइप बनी हुई थी इस मैच की कि लग रहा था जैसे कि इस सीजन का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। फिलहाल इस मुकाबले के बारे में करें बातचीत। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता, किया पहले गेंदबाजी का फैसला और बल्लेबाजी में नियमित रख दिया मुंबई के बल्लेबाजों को मात्र 155 के स्कोर पे, जिसके अंदर रोहित शर्मा, ईशान किशन, डेविड ब्रेविस, कायरन पोलार्ड, ये चार बड़े नामों का बल्ला तो उन्होंने खोलने भी नहीं दिया आज अपनी बढ़िया गेंदबाजी के चलते जो हमने देखा है। दूसरी पारी के अंदर बात कर लें, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ गोल्डन डक का शिकार होकर वापस जाते हैं, लेकिन एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला वहां पे रॉबिन उथप्पा के बल्ले से, अंबती रायडू के बल्ले से, जहां उन दोनों ने आज बनाए हैं 30 रन और 40 रन रिस्पेक्टिवली। लेकिन जी जब आता है वो कारवां, आखिरी चार ओवर्स में कुछ 40-50 रन चाहिए, वहां जब आपकी जीत के हीरो साबित होते हैं दो नाम, एक ड्वेन प्रिटोरियस और दूसरा नाम शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो जी सारे अखबारों में, सारे इंटरनेट पे, सारे ही मोबाइल्स पे, हर जगह पे चर्चा चल रहा होगा कि धोनी ने किस तरह से मैच जिताया है, और आप ये ऑलरेडी जानते ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या कहा है आज इस रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पे चौका लगा के जो मुकाबले में जीत मिली है उसके बाद कप्तान रविंद्र जडेजा ने। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। जिस तरह से खेल चल रहा था हमें बहुत तनाव था, लेकिन खेल का महान फिनिशर अभी भी वहीं था, इसलिए हमें पता था कि हमारे पास एक मौका है, वह अभी भी यहाँ है और हमारे लिए ये कर रहा है। हाँ, मुकेश चौधरी ने पहले अच्छी गेंदबाजी की और पावर प्ले में हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब गेम नहीं जीत रहे थे तब भी आप शांत रहना चाहते थे, लेकिन जो हमने कैच छोड़े ऐसा होता है, इसलिए मैं कभी भी फील्डिंग हल्के में नहीं लेता और कड़ी मेहनत करता हूँ। हमें अपनी फील्डिंग और काम करने की ज़रूरत है, हमें कैच छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना है आने वाले मुकाबलों के लिए, क्योंकि आने वाले मुकाबले काफ़ी क्रूशल हैं। यही कहना था कि आपके पास अगर वहाँ पे दुनिया का एक बेस्ट फिनिशर जो मौजूद था, हालांकि माहौल टेंस था एक समय पे, लेकिन वो जानते थे अंदर से कि वहाँ धोनी है तो मुमकिन है। जो हम सब टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे थे, जो सोच रहे थे, वही वहाँ पे चेन्नई के टीम वाले भी सोच रहे थे कि धोनी है तो मुमकिन है। वही हुआ कि धोनी था, मुमकिन था, मुकाबला ख़त्म हुआ। बाद में उन्होंने अपने यंग खिलाड़ी मुकेश चौधरी की तारीफ की, जो भी आईपीएल में अपना शायद छठा ही मुकाबला खेल रहे हैं और मैच दर मैच इम्प्रेस करते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये हमें जो मंशा देखने को मिली है रविंद्र जडेजा में, अभी भी वो एक जील और जेस्ट है कि रविंद्र जडेजा अभी भी क्वालिफिकेशन के सिनेरियोस को सामने रख के बैठे हैं। बचे हैं 7 मुकाबले, अगर उनमें से 6 मुकाबले जीत लेंगे तो जी क्वालिफिकेशन बहुत नज़दीक हो जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स के, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा करिश्मा हो जाता है कि बचे हुए 7 में से 7 मुकाबले जीत गई चेन्नई की टीम, तो क्वालिफाई तो जी आसानी से कर जाएंगे, ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के सिनेरियो के अंदर आ जाएगी वहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप, सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को, साथ ही में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या चेन्नई की टीम यहाँ से क्वालिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ।